गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून इसलिए बोल रहा हूँ आपको क्योंकि अभी 1:10 हो चुका है और ऑफिस में अभी लेट आया था आज। एक थोड़ा बिजनेस का मीटिंग था मेरा, एवरी वेडनेसडे दे देता है तो वो मीटिंग अटेंड करके मैं अभी आया हूँ यहाँ पे, तो इसलिए वहाँ से लेट हुआ मेरे को। तो यहाँ पे पहुँच के तुरंत ये वीडियो बनाया है इसलिए क्यों आज काम जो जो चालू है वो आपको मैं दिखाऊंगा। और आज हम लोग जो प्रोजेक्ट कर रहे हैं, मतलब जो भी गाड़ियों का काम कर रहे हैं, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा कि कौन सी गाड़ी में क्या काम कर रहे हैं क्या नहीं है। और दूसरा जो जो मतलब इंक्वायरी कस्टमर की आज बहुत सारी आई थी और बट फिलहाल हाल फिलहाल मैं हाजिर नहीं था यहाँ पे, तो यहाँ पे जो मेरा बंदा बैठता है उसने सब टैकल किया हुआ है और उसको भी मैं वर्कआउट कर रहा हूँ अभी, उसके ऊपर क्या काम क्या नहीं है वो भी चेक कर रहा हूँ। और उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि आज एक गाड़ी मर्सिडीज जो हम लोग पीपीएफ स्टार्ट कर रहे हैं, वाइट कार है, उसके अंदर पीपीएफ स्टार्ट करना है हमको। ऑलमोस्ट उसका वॉशिंग और पॉलिशिंग वगैरह हो चुका है, मैं आया था सुबह यहाँ पे लोग चालू कर दिए थे लोग ने, तो वॉशिंग वगैरह और पॉलिशिंग वगैरह हो चुका है उसका। अभी जो जो डोर्स हैंडल है वो अभी ओपन कर रिमूव करने पड़ेंगे, उसके बाद लोगोस वगैरह जो भी है वो रिमूव करेंगे और उसके बाद उसके ऊपर पीपीएफ चालू करेंगे। तब तक आज एक मेरे पास दूसरी जो गाड़ी आई है 1.25 लाख किलोमीटर, 1.25 लाख किलोमीटर चली हुई है महाराजो, जो कल मैंने आपको दिखाया था, मेरे कल शायद मैंने आपको बताया याद नहीं मेरे को, कल रात को मेरे पास आया था गाड़ी। उसके अंदर हम पूरा इंटीरियर डीप क्लीनिंग कर रहे हैं, जो साल भर में एक बार या दो बार आपको रिकमेंडेशन हम लोग कस्टमर को बोलते हैं कि आप एक बार साल भर में कराओ तो गाड़ी जो चलाते हैं उसके लिए भी अच्छा है, जो गाड़ी में बैठते हैं उसके लिए भी अच्छा है, तो उसके लिए हम लोग उसको रिकमेंडेशन करते हैं कि वो इंटर क्लीनिंग डीप क्लीनिंग कराना चाहिए 6 महीने में एक बार तो एटलीस्ट। ठीक है चलो मैं आपको आगे दिखाता हूँ कि आगे क्या प्रोजेक्ट चालू है और क्या काम चालू है। एक किया सेल्टोस में कैमो कलर, जो किया मैंने अभी नया लॉन्च किया है कलर, और ये मॉडल भी अभी नया लेटेस्ट है। सिरेमिक के बाद ये कलर बहुत ही बहुत क्यूट लग रहा है, बहुत मस्त कलर लग रहा है देखने में भी। और इसका जो पल कलर है, पल भी इसका रिफ्लेक्शन बाहर आ रहा है अभी। एकदम कैमो कलर, जैसे वो टाटा हैरियर में आता है ना, उससे थोड़ा डिफर है, पर कैमो कलर ही, ये लोग ने कैमो एडिशन ही बोला है इसको भी। और जो दूसरा हैरियर मेंटेनेंस के लिए आया था उसका सिरामिक मेंटेनेंस हो चुका है। वो गाड़ी भी डिलीवर करेंगे अभी, ये दो गाड़ी का काम अभी यहाँ पे हो चुका है। एक किया सेल्टो से, उसमें 10H सिरामिक कोटिंग चल रहा है, और जो बगल में खड़ी है अभी गाड़ी मर्सिडीज, उसके अंदर हम लोग कर रहे हैं एजिस ब्रांड का पीपीएफ कर रहे हैं, जिसकी लाइफ रहती है 7 साल। इसमें अभी बोनेट में काम हो चुका है, जो फिनिशिंग का काम बाकी है इसके अंदर, तो वो भी अभी थोड़े टाइम के बाद हो जाएगा, तो उसका प्रोसेस पूरा चालू है। ये पूरी गाड़ी पीपीएफ की रही है तो पूरी गाड़ी पीपीएफ हो जाएगी अभी। और मेरे पास दूसरी एक मर्सिडीज आई थी, जो बम्पर में कुछ डैमेज हुआ था पहले, हमने इसको 2 या 2.5 महीने पहले पीपीएफ किया था, तो बम्पर के लिए पीपीएफ आई थी। और ये मरा जो है उसके अंदर हम लोग कर रहे हैं इंटेंसिव एंट्री क्लीनिंग, जो 1.25 लाख किलोमीटर चली हुई मैंने आपको बताया था, ये पूरी गाड़ी को डीप क्लीनिंग किया हुआ है। मर्सिडीज है उसमें फुल पीपीएफ कर रहे हैं, तो उसके लिए उसमें जो जो रिमूव करना था वो रिमूव कर दिया है हमने। उसका ग्रिल नीचे का पॉगलेंस में जो स्क्रोम लगा था वो भी निकाल दिया है सब हमने, क्योंकि तो पीपीएफ में फिनिशिंग अपने को सही तरह से अच्छा मिले। अभी 8:15 हुए हैं और अभी इसमें पीपीएफ का काम चालू है, और मुझे लगता है 12-1 बजे तक इसमें काम चालू रहेगा, तो
नाइट में भी काम करेंगे, बारह एक बजे तक काम चालू रहेगा इसके ऊपर। पूरा वाइट गाड़ी है, मैं डस्ट का भी देखना पड़ता है, तो उसके हिसाब से करेंगे काम। अभी सब साइड फेस में से चालू किया है काम। ये पार्ट पूरा हो चुका है, अभी इसमें फ्रंट बम्पर में पीपीएफ लगा रहे हैं, तो उसको फिनिशिंग के लिए थोड़ा स्ट्रेच करना पड़ता है। बम्पर होने के बाद इसमें फ्रंट डोर में पीपीएफ कर रहे हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि हमने हैंडल भी खोल दिया है। हैंडल खोलने का एक ही रीज़न है कि पीपीएफ वन पीस में लगे, और वन पीस में लगता है तो उसमें स्ट्रेंथ और स्टेबिलिटी ज़्यादा रहती है। कभी कभार क्या होता है कि हैंडल ना खोलने के हिसाब से वहाँ पे कट लगाना पड़ता है, तो कट लगाते हैं तो वहाँ पे फिनिशिंग नहीं रहता है, और वहाँ से खुलने का पीपीएफ पॉसिबिलिटी ज़्यादा बढ़ता है। तो उसके लिए हम लोग पूरा हैंडल और लोअर गार्निश जो है वो हम लोग रिमूव कर देते हैं, उसके बाद ही इसमें अंदर पीपीएफ इंस्टॉल करते हैं, तो क्या प्रॉपर फिनिशिंग आए। और वो जो लोअर गार्निश नहीं रिमूव करते हैं तो उसमें से धूल मिट्टी आती है, तो वो पीपीएफ के अंदर चली जाती है, तो वहाँ पे क्या वो वाइट गाड़ी है तो ज़्यादा दिखता है। फिर वो भी ड्राइवर डोर में है तो वहाँ पे ज़्यादा दिखेगा, तो पता चलेगा सामने ही कि वहाँ पे ज़्यादा है वो धूल मिट्टी। अभी 9:15 हुए हैं, अभी मैं निकल रहा हूँ घर, बट यहाँ पे थोड़ा काम चालू है, तो लोग काम कर रहे हैं अभी गाड़ी के। काम खत्म करेंगे, ये दो लोग निकलेंगे और मैं निकल रहा हूँ अभी घर के लिए। आपको ये व्लॉग पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एंड लाइक कीजिएगा एंड कमेंट कीजिएगा। थैंक यू सो मच एंड गुड नाइट, मिलते हैं कल।